हेलो बेटा, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो चलिए साइक्लोपेंटेन ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, साइक्लोपेंटेन है, ANE लगा हुआ, यानी कि सैचुरेटेड होगा। अब हर एक कार्बन की चार वैलेंसी पूरी करनी होती है। एक कार्बन ने दो कार्बन से तो पहले कनेक्शन बना रखा है, यानी कि दो तो पहले से वैलेंसी पूरी है। अब हमें हाइड्रोजन और अटैच करने पड़ेंगे, एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन आपके अटैच होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक कार्बन की हमने चार चार बेटा वैलेंसी पूरी कर दी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर हम जरा बना देते हैं, यहाँ पर हम जरा बना देते हैं। देखिए, अब स्ट्रक्चर बना लेने से ये होता है एक स्मार्ट वर्क बेटा। स्ट्रक्चर पहले बना लिया, अब हम क्विकली इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। एक कार्बन में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन के अंदर कितना होता है, 1, 1। तो ये हमने हाइड्रोजन का डबलेट पूरा कर दिया, ये हमने हाइड्रोजन का डबलेट पूरा कर दिया, राइट। अब यहाँ पर भी इस वाले कार्बन के भी चार इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, 1, 2, 3, 4। देखो, देख रही हूँ, यहाँ पर मैंने पहले से स्ट्रक्चर बना लिया, तो मेरे को अब इलेक्ट्रॉन्स की पोजिशनिंग करने में दिक्कत नहीं आ रही। अब मेरा डायग्राम बड़ा साफ सुथरा बनेगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। तो पहले से ही मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को वहीं पर ही दिखाऊंगी जहाँ पर बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया। अब सबसे पहले तो ये जो सजावट के लिए हमने हाइड्रोजन लगाए हुए हैं, इनका हम फटाफट से बेटा डबलेट पूरा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से डबलेट पूरा करते जाते हैं, स्टेबल हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन आपका एक्सेप्शन है बेटा, यहाँ पर ऑक्टेट रूल नहीं, यहाँ पर हमें डबलेट पूरा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब हम कार्बन को उठाते हैं और कार्बन का ऑक्टेट पूरा करते हैं। 4, 5, 6, देखो 4 पहले से हैं, 5, 6, 7 और 1, 8। ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेंगे बेटा इरेजर से। ठीक है, इरेजर ले लेते हैं, ये यहाँ से नहीं होगा और इस तरीके से ये जाएगा। देखिए क्या हुआ, देखो यहाँ पर 4 तो पहले से है, 1 हमने ये वाला लिया हाइड्रोजन, 1 इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, 1 इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और 1 इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमने लिया, राइट। तो यहाँ पे 4 है, 5, 6, इरेजर लेते हैं, सॉरी इंक लेते हैं, पेन पेन चूज करते हैं। हाँ, अब ठीक है, देखो जरा फिर से काउंट करें, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। ऑक्टेट पूरा, चलो एक और करते हैं, इस वाले कार्बन को उठा लो। 4 तो पहले से है, ठीक है, 1 बगल वाले कार्बन से, 5, 1 इस हाइड्रोजन से, 1 इस वाले हाइड्रोजन से लेगा, 6, 7 और 1 दूसरे बगल वाले कार्बन से, कितने हो गए इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। ठीक है, चलो इसको करें, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑक्टेट पूरा कर दिया। तो इसी तरीके से बेटा पहले हमें इन हाइड्रोजन का डबलेट पूरा कर लेना है। ठीक है, हाइड्रोजन के तो आउटर मोस्ट में 1-1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो इनका सबका हम डबलेट पूरा कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा सा ड्रॉ करके आना अगर आपके एग्जाम में आता है तो। चलो एक और कार्बन का करके दिखाती हूँ, कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 हैं। तो अब शेयरिंग करते हैं, 5, 6, 7 और 1, 8। इस तरीके से इसका भी हमने ऑक्टेट पूरा कर दिया। तो बेटा इस तरीके से हम आपका साइक्लोहेक्सेन का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं।